दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। अब एक बार फिर जेएनयू में छात्रों का जोरदार हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा। जेएनयू में 9 छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर अतुल जौहरी के खिलाफ छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शन लगातार जारी रखा है। छात्र लगातार जेएनयू के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल से शुरू हुए इस प्रदर्शन में छात्रों और शिक्षकों की मांग है कि प्रोफेसर अतुल जौहरी को उसके पद से हटाया जाए और सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगने के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाए। कल शाम से ही जेएनयू के छात्र वसंत कुंज थाने के बाहर आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों ने हाईवे भी जाम कर दिया था। हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पीड़ित छात्राओं का बयान 164 के तहत दर्ज किया। आज कुछ और लड़कियों के बयान रिकॉर्ड होंगे। बता दें कि आरोपी प्रोफेसर जौहरी के खिलाफ अभी तक 8 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। आरोपी प्रोफेसर को पुलिस ने जांच के लिए सोमवार को बुलाया था, लेकिन वो पुलिस जांच में शामिल नहीं हुआ था। अब पुलिस ने प्रोफेसर को आज शाम 5 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। वसंत कुंज थाने के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। थाने के गेट पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ करीब 150 जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही कोई बड़ा हंगामा ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस के साथ महिला पुलिसकर्मी को भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात किया गया है। वहीं छात्र छात्राओं के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाई गई। ये FIR प्रोफेसर उमेश अशोक कदम ने दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि छात्र जबरदस्ती उनके दफ्तर में घुस आए थे और डीन को बंधक बना लिया था। FIR में कुल 18 छात्रों के नाम शामिल हैं। बता दें कि जेएनयू की छात्राएं आरोपी प्रोफेसर जौहरी के खिलाफ काफी दिनों से प्रदर्शन कर रही थी। प्रोफेसर पर आरोप है कि क्लास के दौरान वो छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और उनसे अश्लील बातें करता था, जिसके बाद छात्राओं का ये प्रदर्शन शुरू हुआ। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर जौहरी का कहना है कि क्लास में छात्राओं की अटेंडेंस कम होने की वजह से वो ऐसा आरोप लगा रही हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेहा गुप्ता के साथ ASN लाइव की रिपोर्ट।